हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा का आरंभ हो चुका है, जिसका शुभारंभ गाड़ियों को झंडा दिखाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया और यही कारण रहा कि हिमाचल ऐसा पहला राज्य बना जहां इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। इन टैक्सियों को सोलन में भी दो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा का आरंभ किया जाना है, लेकिन अभी तक विभाग शायद इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है क्योंकि अभी तक उनके पास परमिट इन्हें चलाने के लिए नहीं मिला है। जब इस बारे में आरएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा के परमिट के लिए ही जल्द ही आवेदन किया जा रहा है और आरटीओ से इसके लिए रूट की डिमांड की जा रही है और विभाग जल्द ही अधिकारियों की मीटिंग करने जा रहा है। वहीं साधारण टैक्सी और ऑटो चालकों ने इस बारे में कहा कि अभी तो ये सेवा सोलन में आरंभ नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार का कदम बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा प्रदूषण कम करने में सहायक होगी, लेकिन सोलन में इतने टैक्सी और ऑटो चल रहे हैं कि उनके लिए भी पार्किंग नहीं मिल रही है, सड़कों पर जाम लग रहा है और इसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा शुरू हो जाती है तो उन टैक्सियों को भी खड़ा करना उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा योजना का शुभारंभ तो कर दिया है, लेकिन विभाग के पास परमिट न होना दर्शाता है कि अभी विभाग इस योजना के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यही कारण है कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा सोलन में आरंभ नहीं हो पाई है। जैसा कि सरकार ने विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाई हैं, अभी कितना कामयाब होती है तो समय ही बताएगा, लेकिन ठीक है पोल्यूशन की समस्या है, हर जगह है समस्या, लेकिन क्या केवल इलेक्ट्रिक टैक्सियां या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आने से ही ये समस्या दूर होगी? क्या और जो कारण जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, विकास के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? और ठीक है मैं एक ऑटो रिक्शा होने के नाते मैं कहता हूँ कि सर सोलन में पहले ही पार्किंग की बहुत समस्या है, यदि और ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक के नाम पर आते हैं, ई रिक्शा आते हैं, तो समस्या जो हमारी बरकरार रहेगी। हमारे जगह जगह से पॉइंट खत्म होते जा रहे हैं, फोर लेन की वजह से पॉइंट खत्म हो रहे हैं, पार्किंग है नहीं, अगर वो भी और बढ़ाएंगे तो शहर में चलेंगे। और उससे ही बड़ी समस्या जो ई रिक्शा की है, चार्जिंग की, कितनी जगह पर कितने ऑटो रिक्शा को सरकार जो है चार्जिंग मुहैया कराएगी? देखिए हमारे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल हो जी है, इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ कामयाब हो जाएगी। कई सड़कें ऐसी है जहाँ पे कि हमारी पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ भी फर्स्ट गियर ही मांग लेती है, तो बड़ा मुश्किल है कि उन जगहों पे जाके ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल हो। मान लो कि कहीं लॉन्ग रूट जा रहे हैं हम लोग, तो 100-150 किलोमीटर के बाद चार्ज करनी पड़ेगी, तो फिर कैसे होगी? तो नहीं हो पाएगा, फिर कैसे करेंगे इसको चार्ज? और शहर में आपको बताइए कि इतनी पहले ही रश है, तो उसमें तो बैटरी तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा देर चल पाएगी उसमें। देखिए पहले ही काम नहीं है यहाँ पे सोलन में इतना ज़्यादा टैक्सी होगा। ठीक है, अगर इससे हम मानते हैं कि पोल्यूशन तो कम होगा शहर के अंदर, और ठीक अच्छी बात है, लेकिन बट ठीक है ऐसी जगह चलानी चाहिए जहाँ से कोई सुविधा नहीं है ऑटो या बस की, उस जगह से चलाओ इनको, तो लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल पाएगा।